Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'll be fine. I'm here with New Syllabus Primary Mathematics Workbook 6A, and today we are going to discuss some things related to fractions. So hold a pencil in your hand and watch the video till the end. अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि और आपके फ्रेंड्स इससे फायदा उठा सकें. और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. Open up page number 52. This is chapter number 3, fractions, worksheet number 4, solving word problems. So let's start with question number 1, which says Mrs. Ali had a sum of money. Mrs. Ali ke paas kuch paise the. She spent 1/8 of the sum of money on a set of kitchenware. Jisme se unhone 1/8 jo paise the wo kitchenware ke upar kharch kar diye. 2/5 of it on an armchair. Aur usi sum of money ka 2/5 unhone ek armchair ke upar spend kar diya. And 1/4 of it on a tablet. Aur usi sum of money ka 1/4, yani total ki hi baat ho rahi hai. Total mein se, yani total agar 1 hai to 1 mein se pehle subtract kiya 1/8, phir 2/5 aur phir subtract kiya 1/4. She then saved the remaining $126. उसके बाद भी कुछ पोर्शन बच गया पैसे का, और वो पोर्शन एग्जैक्टली था कितना? $126. तो हाउ मच डिड मिसेस अली हैव एट फर्स्ट? तो मिसेस अली के पास शुरू में पैसे थे कितने, यानी टोटल सम ऑफ मनी था कितना, जिसमें से उन्होंने इतना इतना स्पेंड करके $126 सेव भी कर लिए. तो आइए इस क्वेश्चन को हम जरा एक फिगर, एक मॉडल से समझते हैं. अब ये देखो मेरे पास कि टोटल सम ऑफ मनी है, ठीक है. इसको तीन तरह के पार्ट्स में डिवाइड करना है, पहले 8 पार्ट्स में, फिर 5 पार्ट्स में और फिर 4 पार्ट्स में. मैंने पहले 5 पार्ट्स में क्यों कर दिया, क्योंकि 5 पार्ट्स में डिवाइड करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है. अब इसी को हम 4 पार्ट्स में पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर 8 पार्ट्स में भी डिवाइड करेंगे. अब जरा आप इस क्वेश्चन को समझिए. ये आप देखेंगे कितने सारे डब्बे बन गए. कैसे बन गए ये इतने सारे डब्बे? ये डब्बे इस तरह बन गए स्टूडेंट्स कि इन्होंने तीन फ्रैक्शन हमें बताए हैं कि इतना पैसा इन्होंने खर्च किया है किचनवेयर पे, फिर इतना पैसा इन्होंने आम चेयर पे, और फिर इतना टैबलेट के ऊपर. यानी ये तीनों जो सम है वो वन होल में से हैं, तो हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, वेरी सिंपल, ठीक है. लेकिन मसला वही आता है कि तीन डिनोमिनेटर्स, तीनों अलग अलग डिनोमिनेटर्स, तो इनको हमें एक डिनोमिनेटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीधी सी बात है, एलसीएम लेना पड़ेगा. जब हमने एलसीएम लिया तो हमें जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स मिला दैट इज 40, यानी हमारा एलसीएम निकल रहा है 40. इन सब का जो डिनोमिनेटर बनेगा वो क्या बनेगा? 40, ठीक है. तो इस तरह से हमारे पास जो टोटल डब्बे थे वो 40 में डिवाइड हो गए. अभी हम इसको भी देखेंगे, फिगर को भी. अभी पहले आप इसको देखिए, यहां पर 40 डिवाइडेड बाय 8 गिव्स अस 5, तो 1 × 5 = 5 हो गया. 40 को 5 से डिवाइड किया तो ये 5 × 8 = 40 होता है, ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई किया 2 × 8 = 16, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × 10 = 40 होता है, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई किया 1 × 10 = 10. यहाँ पर 8 को 5 से किया, ऊपर भी 5 से किया, तो ये आसानी से हमारे पास आ गया कि 5 को 16 को और 10 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 31/40. यानी टोटल यूनिट्स जो हमारे पास 40 हैं, उनमें से 31 यूनिट्स जो हमारे पास हैं वो दरअसल हमारे पास हैं जो इन्होंने टोटल पैसा जो अपना स्पेंड किया है. इसमें से जो 5 यूनिट्स हैं हमारे पास वो किसके हैं? 1/8, यानी कि ये इन्होंने खर्च किया है किचनवेयर के ऊपर, ठीक है. उसके बाद इसके अंदर से जो 16 यूनिट्स हैं, 4 + 4 + 4 + 4, ये जो 16 यूनिट्स हैं ये इन्होंने खर्च किए हैं आर्मचेयर के ऊपर, ठीक है. और उसके बाद जो इसमें से 10 यूनिट्स हैं, ठीक है, 5 और 5, ये जो इन्होंने 10 यूनिट्स खर्च किए हैं ये इन्होंने खर्च किए हैं टैबलेट के ऊपर. तो बाकी हमारे पास कितने यूनिट्स बच रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 यूनिट्स जो हमारे पास बच रहे हैं ये दरअसल बराबर हैं $126 के. समझ में आया है स्टूडेंट्स? इन्होंने हमें ये भी बताया था कि 1/5 इनका किचनवेयर पे लगा है, 2/5 इनका यानी कि जो 14 यूनिट्स हैं वो इनका आर्म चेयर के ऊपर लगा है, और 1/4 जो इनका है यानी 10/40 वो टैबलेट के ऊपर लगा है, और बाकी जो पैसा इनके पास बचा है वो $126 है. तो बाकी यूनिट्स बचे कितने हैं 40 में से? 9, क्योंकि 31 जब खर्च हो गए यूनिट्स तो $40 के अंदर से 40 − 31, 9 यूनिट्स इनके पास बचे हैं, और यही 9 यूनिट्स बराबर हैं $126 के. जब हमें यह पता चल गया कि 9 यूनिट्स बराबर है $126 के, तो हम 1 यूनिट आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, और 1 को जब 1 यूनिट पता चल जाएगा तो 40 यूनिट्स को भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. इसका सोल्यूशन आप बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे, जितना भी आपका रफ वर्क है वो आप अलग से शो करेंगे, ठीक है. यहां पर आपके पास ज्यादा स्पेस नहीं है तो आपने सिर्फ सोल्यूशन के ऊपर ध्यान देना है कि टोटल मनी स्पेंट हमारे पास 3 यूनिट्स इन्होंने हमें बताए थे, हमने तीनों का एलसीएम निकाला 40
40 निकला, और उसके बाद जब इन तीनों को ऐड किया डिनोमिनेटर्स को सेम बना के, वो 31/40 निकल आया। तो इट मींस टोटल सम ऑफ मनी इज इक्वल टू 40 यूनिट्स, जिसमें से मनी स्पेंड इज इक्वल टू 31 यूनिट्स एंड मनी सेव्ड इज इक्वल टू 9 यूनिट्स। और हमें ये पहले ही से पता है कि 9 यूनिट्स बराबर है 126 डॉलर्स के, क्योंकि वो हमें यहां पर इन्होंने बताए हुए कि रिमेनिंग सेव्ड मनी उनके पास 126 डॉलर्स था। तो इससे हमने 1 यूनिट कैलकुलेट कर लिया, 126 को 9 से डिवाइड करके हमारे पास 14 डॉलर्स आ गया। जब हमें पता चल गया कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 14 डॉलर्स, तो 40 यूनिट्स हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल मनी उनके पास कितना होगा। 14 × 40 दैट इज 560 डॉलर्स। इट मींस मिसेस अली हैड 560 डॉलर्स एट फर्स्ट। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मिस्टर लिम ड्रोव फ्रॉम हिज हाउस टू द म्यूजियम, ही पास्ड बाय द लाइब्रेरी अलोंग द वे, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइब्रेरी एंड द म्यूजियम इज 1/9 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन मिसेस लिम्स हाउस एंड द लाइब्रेरी। ठीक है, मिस्टर लिम है जो अपने घर से म्यूजियम की तरफ जा रहे हैं, लाइब्रेरी से वो गुजरते हुए जा रहे हैं। अब जो डिस्टेंस लाइब्रेरी और म्यूजियम के बीच में है, वो उस डिस्टेंस का जो हाउस से लाइब्रेरी के बीच में है उसका 8/9 है। ठीक है, यानी जितना भी डिस्टेंस उसका है उसके 9 यूनिट्स करें तो उसमें से 8 यूनिट बनता है, 1 यूनिट कम। लेटर डिस्टेंस फ्रॉम मिस्टर लिम्स हाउस टू द लाइब्रेरी इज 2 whole 7/10 किलोमीटर्स, फाइंड द डिस्टेंस दैट मिस्टर लिम ड्रोव ऑल टुगेदर। तो ये बताइए मिस्टर लिम ने कितना ड्राइव किया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ इसको एक मॉडल से समझने की जरूरत है कि मिस्टर लिम के घर से लेके लाइब्रेरी तक का जो डिस्टेंस है वो आपको बताया हुआ है 2 whole 7/10 किलोमीटर्स है। ठीक है, ये तो आपको बता दिया कि इसका कितना किलोमीटर है, लेकिन लाइब्रेरी से म्यूजियम तक का ये आपको एग्जैक्ट किलोमीटर्स नहीं बताया, बल्कि इन्होंने ये बताया कि जितना डिस्टेंस यहां से लेके लाइब्रेरी तक का है उसका 8/9 जो है वो डिस्टेंस है लाइब्रेरी से म्यूजियम तक का। यानी कि हमें पहले लाइब्रेरी से म्यूजियम तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, जब एग्जैक्ट किलोमीटर्स में वो हमें पता चल जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये ऑफ 2 whole 7/10 है। ठीक है, तो जब ये हमें पता चल जाएगा तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर पहले यही करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, 9 × 1 = 9, 9 × 3 = 27, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10। तो 4/1 × 3/5 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 12/5 आ रहा है, और इसको मिक्स नंबर में चेंज किया तो 2 whole 2/5 आंसर आ रहा है। ठीक है, ये आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 5 × 2 = 10, 10 + 2 = 12। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए, हमें ये भी पता चल गया कि लाइब्रेरी और म्यूजियम के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, और हमें ये भी पहले से पता है कि मिस्टर लिम के घर और लाइब्रेरी के बीच में कितना डिस्टेंस है। अब इन्हीं दोनों को हम ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो होल नंबर को होल नंबर के साथ ऐड करेंगे, और डिनोमिनेटर्स हमारे सेम नहीं है, इनको सेम बना लेंगे, तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा 7 + 4 गिव्स अस 11, लेकिन ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा हो गया है, तो आपने इसको चेंज कर देना है, 4 × 10 = 40 + 11 = 51/10, और अब आप इसको दोबारा कन्वर्ट कीजिए तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 5 whole 1/10। ठीक है, तो ये है टोटल डिस्टेंस दैट मिस्टर लिम ड्रोव फ्रॉम हिज हाउस टू द म्यूजियम। यहां तक कंप्लीट होगा क्वेश्चन नंबर 1 और 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और इस तरह की मजीद आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।